समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धीरेंद्र सिंह धीरू एक दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूंजीवादी कांग्रेस भाजपा का विकल्प बनाने, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने की शुरुआत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। पत्रकार वार्ता में कहा कि ग्वालियर और पूरा चंबल समाजवादी विचारधारा का है, जिससे पूंजीवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। उसी समाजवादी विचारधारा को राजनीति में फिर से नई पार्टी खड़ी करने आया हूं और समाजवादी विचारधारा पुनः चंबल के साथ मध्य प्रदेश में पुनः जीवित कर समाजवादी पार्टी को खड़ा करेंगे। दोनों पार्टियां विचारधारों की जगह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही है। सत्ता के लिए दोनों पार्टियां कितना आतुर है, इसका उदाहरण ग्वालियर से अच्छा और कहीं भी नहीं है। टीम भारती न्यूज। मैं समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में ताकतवर बनाने, तीसरा विकल्प बनाने और 2023 में मध्य प्रदेश में समाज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन और नेतृत्व में सरकार बने 2023 में समाजवादी पार्टी के, इसलिए आज ग्वालियर आया हूं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने आया हूं। किस लिए विचार विमर्श करने आया? जी, ग्वालियर में क्यों विचार विमर्श? पार्टी को खड़ा करने के बारे में। और कितने कार्यकर्ता हैं आपके ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में? क्या चीज़? मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता तो तैयार होंगे। हम शून्य से पार्टी शुरू करना चाहते हैं। हम गिनती एक दो से नहीं शुरू करना चाहते, शून्य से शुरू करना चाहते, शून्य से 100 तक पार्टी को लेकर जाएंगे। यही जो यहाँ पर खड़े हैं, आप ही की पार्टी के लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूरी बीजेपी ने ये सिस्टम बना दिया है कि दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ो और अपनी पार्टी खड़ी कर लो। तो जिनको जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रहना है वो रह गए। कैसे करोगे मजबूती तो बताओ जी, क्या करोगे मजबूती में? कैसे मजबूती काम करेंगे? जनता के काम करेंगे, जनता के सीमा। हम नौजवानों के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम व्यापारियों के लिए काम करेंगे, हर वर्ग के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरी ताकत बताएंगे कि कांग्रेस भाजपा पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टी है। सिर्फ एक ही पार्टी है समाजवादी, जो विचारधारा के नाम से जिंदा है। बाकी पार्टियों के तो नाम के भी अर्थ नहीं है कि कोई नाम है। कोई कांग्रेस का क्या अर्थ है, भाजपा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। बिना अर्थ की पार्टी पैसे के बल पर काम कर रही है, अडानी अंबानी के पैसे से काम कर रही है। इसीलिए 4 साल में आज विश्व के सबसे बड़े व्यापारी उद्योगपति बन रहे हैं। भारत गरीब